सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चपक मैं किया तूने, मेरी तो आंखों से पानी निकला। थैंक यू गुरुजी, काश तेरे पापा मम्मी यहाँ होते तो उनको कितना अच्छा लगता। हाँ मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? ये कह रहा है दिशा दीदी बहुत अच्छा नाचती है। थैंक यू, आपको सच में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा ना? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, पिछले साल भी तो क्या अच्छा कार्यक्रम हुआ था। क्या माला, साल में सूरज पृथ्वी के 365 चक्कर लगा लेता है लेकिन तेरी गाड़ी वहीं अटकी पड़ी थी। तेरा टायर पंचर है क्या? गुरुजी मैं चलूं? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं गुरुजी मैं चली जाऊंगी। तेरी जरा सी भी खरोच आ गई ना तो तेरे पापा जो ना मुझे पापड़ तेरा बेल कर धूप में डाल देंगे और तू तो जानती है ना मुझे धूप से एलर्जी है। गुरुजी मैं सच में चली जाऊंगी और मुझे अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाना है और फिर गार्ड्स भी तो है ना मेरे साथ। कितने होर्स गार्ड हैं लेकिन का टेस्ट बहुत खराब है क्योंकि एक बार भी मुझे देखते ही नहीं। चल बेटा तू पर अच्छे से जाइए। नहीं,
क्या काम आपका, काहे चिंता कर रहे हैं? हाँ घर पे भी सब ठीक है, हाँ बिटिया भी घर पे, चलिए रखिए फोन। सर आ दिशा का परफॉर्मेंस। दिशा क्या हुआ दिशा को, रोना धोना बंद करो, क्या हुआ दिशा को? दिशा पता नहीं कहाँ चली गई है, वो ज्ञान संस्था स्कूल डांस परफॉर्मेंस के लिए गई थी पर अभी तक आई नहीं। अरे दिशा कहाँ है? भैया जी हम तो वहीं थे लेकिन ग्रीन रूम से गायब हो गई। से गायब हो गई दिशा? भैया जी हम बाहर ही खड़े थे। हमें लगा गुरुजी के साथ चली गई। तो गुरुजी कहाँ है? बुलाया। और हमारी बिटिया कहाँ है? वो तो अपने फ्रेंड के साथ में गई थी। कौन फ्रेंड है? मुझे नहीं पता। दिशा का फोन भी नहीं लग रहा है, मैं सब फ्रेंड्स को फोन कर चुकी हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो क्या किया तूने हमारी बेटी के साथ? ये तो जान से मार देंगे तो जाए। बोल। मुझे नहीं पता भैया, आपके सर की कसम। फ्रेंड्स पे मत मारिए भैया, हमें नहीं पता, आप सच बोल रहे हैं भैया, वो स्कूल में ही थी। कमिश्नर को फोन लगा रहे हैं। थकान लग रही है? खोखली में अदरक की तरह तुम्हें कूट ना दे। मेहनत का होती है जानते भी हो? अरे अगर थोड़ी मेहनत कर ली होते तुम्हारी गोद में बाल गोपाल खेल रहा होता। करे हमारी बेटी कहाँ? फुल परफॉर्मेंस के बाद दिशा कहाँ गई? छोड़िए। मेरा मतलब है कि इसे कुछ नहीं पता दिशा के कार्यक्रम के बाद हम कहाँ गए थे, ये तो वो भी नहीं जानता। ये बहुत भोला है साहब जी। कोई भोला वाला नहीं होता, देखो कैसे घूर रहा है मुझे, देखो इसने कुछ किया होगा नाचपटे। हमसे हमारी बिटिया कहाँ है? सुनो ना हमारा बात, अगर हमारी बेटी हमको नहीं मिली ना तो तुम सबको जान से मार देंगे। लेकर दिए थे दिशा मेरे बच्चे। ए, ए तेरे को, जिस भी आदमी ने हमारी बेटी को मारा है ना वो आदमी को छोड़ेंगे नहीं, हम जान ले लेंगे उस सबको। वो आदमी किसी भी हाल में चाहिए समझ के। अखिलेश सिंह जो कि यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी 19 साल की इकलौती बेटी दिशा को किसी ने मारकर जला दिया है। आज से ठीक एक साल पहले दिवाली की पूर्व संध्या को 18 साल की एक बच्ची किरण को भी मार दिया गया था, जिसकी लाश अगले दिन नदी के किनारे सूटकेस में मिली थी। लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में दिशा का भी उसी तरीके से खून होना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या दिशा और किरण के मौत की गुत्थी एक दूसरे में उलझी हुई है? अली तुम इसी वक्त अपनी पूरी टीम के साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ। यस सर। यस। सर मैंने दिशा और किरण के केस की स्टडी की है, काफी काफी उलझा हुआ केस है। दोनों ही केसेस में सब कुछ सेम हुआ है सर। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पे वार करके उसे मारा गया था, उसके साथ रेप हुआ था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। देखिए हमको सिर्फ अपनी बेटी का कातिल चाहिए। समझे आप? जरूरत पड़े ना। अपना काम करने का तरीका बदलिए। पूरा छूट है आपको, जिसको चाहे गोली मार दीजिए, जिसको चाहे सूली पे चढ़ा दीजिए,
लेकिन हमको कुत्ता चाहिए, वरना तुम सबका परेड करवा देंगे। शुक्रिया सर हमें इतनी छूट देने के लिए, लेकिन हमें हमारा काम करने का तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। आपको आपके बोलने का तरीका जरूर बदल देना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई हमसे इस तरह से बदतमीजी से बात करे वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए अखिलेश जी, अली और उनकी पूरी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और ये सब लोग अपना काम बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। आप भरोसा रखिए प्लीज। सर अभी आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम आपसे मिल लेंगे। मैम प्लीज। ये दिशा और किरण के केस की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। वो किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, खासतौर पे खून के एक हफ्ते पहले की। सर सबसे पहले हमें किरण के फादर से मिलना पड़ेगा। श्योर। क्या बताएं साहब, आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अस्पताल में मामूली पियोन है, हमारा तो जो कुछ भी था वो हमारी बेटी किरण के साथ ही चला गया। बड़ी प्यारी बच्ची थी हमारी, बहुत प्यार करती थी हमसे। दिशा और किरण दोनों पक्की सहेलियां थी, हमेशा साथ रहती थी, ऐसे जैसे एक दूसरे की परछाई हो। पर पिछले साल किसी ने हमारी बेटी को मार दी। पुलिस ने तो यहां तक कहा कि किसी ने उसके साथ रेप भी हुआ। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो बातें सुनी है साहब, और जो सुना वही आपको बताया। सच्चाई की तलाश हम आज तक कर रहे, पर न तो हमें सच मिला ना इंसाफ। कैसा होगा वो आदमी, क्या दुश्मनी थी हमारी उससे, और क्या बिगाड़ा था हमने, और क्या बिगाड़ा दिशा के माँ बाप ने उसका। मेरी बेटी हमें दुनिया में सबसे अच्छा बाप है ये कहती थी, लेकिन हम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके साहब। पर आप दिशा को इंसाफ जरूर दिलाना साहब, जरूर दिलाना। इंसाफ होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी आप जा सकते हैं। क्या ये सर, आपने किरण के केस की ठीक से तहकीकात की भी थी कि नहीं? वो सर इन्वेस्टिगेशन तो किया था और कुछ सस्पेक्ट भी पकड़े थे, लेकिन सर कुछ पक्का पता नहीं चल पाया। ये तरीका आपके तहकीकात करने का है? ये फोटो में देखिए, ये फोटो में उसने गहने पहने हुए हैं, चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट। ना तो आपको बॉडी के ऊपर पहने हुए गहने के बारे में कुछ पता चला है, ना उस सूटकेस के बारे में पता चला जिसमें इसकी बॉडी मिली थी। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सर क्या है ना, वो क्या, ये क्या? अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। सॉरी। हाई प्रोफाइल केस है, जल्द से जल्द क्रैक करना पड़ेगा। यार ये दिशा और किरण, ये दोनों एक ही स्कूल में परफॉर्म करने गए थे और इनकी बॉडी बाहर मिली। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस चल रहा था, इतने सारे लोग वहां पे थे, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते नहीं देखा, या किसी ने भी उनकी बॉडी को बाहर ले जाते नहीं देखा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों लड़कियां छुप कर बाहर निकली हों। मगर दिशा के कपड़े तो ग्रीन रूम में ही थे, इन दोनों की जो बॉडी मिली थी उनके ऊपर वही परफॉर्मेंस वाले कपड़े थे। अगर अपनी मर्जी से जाती तो शायद कपड़े बदल के जाती। किरण को मरे भी एक साल हो गए सर, ना तो वो गहने मिले और ना ही सूटकेस का कोई क्लू मिला है। ये तो है यार। नक्शी, तुम उस सूटकेस के बारे में पता करो जिसमें उसकी बॉडी मिली थी। अब इतने टाइम के बाद वो गहने के मिलेंगे कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। ये दिशा किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी। जैक, दिशा की सारी कॉल रिकॉर्ड चाहिए, दिशा के भी और किरण के भी। इस केस की तफ्तीश हमें नए सिरे से करनी पड़ेगी। इन दोनों मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है मुझे। ये दोनों लड़कियां एक ही डांस टीचर से डांस सीखने जाती थी। एक काम करो हनुमान, तुम इस डांस टीचर से मिलो
और मैं स्कूल में जाके देखता हूँ। हरी अप। हम लोग दिशा दीदी और किरण दीदी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। आप लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप लोग किससे पूछकर अंदर आए? आप लोग वो सब छोड़ो, दिशा को कैसे जानते हो? दिशा, दिशा, अरे मैंने बोला ना मुझे नहीं जानते। बेटा आप लोग तो आप भी बोल नहीं सकते। बोलने का काम हम करते हैं। अच्छा, आप दोनों में से किसी ने परफॉर्मेंस वाले दिन दिशा जी को बाहर जाते हुए देखा था स्कूल के? हमें कुछ नहीं पता सर, अखिलेश भैया जी भी आए थे, वो हमारे इनको पीट के चले गए, हमें सच में कुछ नहीं पता। किसी बाहर वाले को आते जाते देखा उस दिन, किसी अनजान आदमी को आप लोगों ने? प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? थैंक यू सर। यहाँ तो इन सब के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है यही हुआ है। जिम जाते हो क्या? ऋषा के परफॉर्मेंस वाले दिन स्कूल में क्या हुआ था? मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने आपको सब बता दिया था, मैं वहाँ से आ गई थी। वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग जाने का बोल रही थी, बस मुझे इतना ही पता है। कौन से फ्रेंड? वो मुझे क्या पता, पर मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नाक नहीं घुसाती हूँ। सर हम लोग को सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे थे, और उसने कहा भी था गुरुजी से कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली है। सर इस स्कूल में कुछ नहीं हुआ है, और हम लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन सर इस तरह यहाँ आपके बार बार आने से बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक बात पूछूं आपसे, ये बताइए आप सिंगल हैं क्या? जितना पूछा जाए ना बस उतना ही जवाब देना। पूछिए ना, आपका हर सवाल का जवाब हाँ में ही होगा। ईशा के परफॉर्मेंस वाले दिन उसे स्कूल तू ही लेकर गया था ना? हाँ हाँ। वापस साथ में तू ही लेके आने वाला था। हाँ। तो तू जानता किसने मारा? हाँ। ओ ना ना पापा, वो तो मैं नहीं जानती। हाँ, पर एक बात जानती हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ऐसे खींच के मारूंगा ना, तेरा प्यार का ये सारा बुखार यही उतर जाएगा। मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शंभू जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बात करिए इससे। क्या अंकल जी, आप हमारी शादी करवाएंगे क्या? अंकल किसको बोलती है, मैं अंकल दिखता हूँ तुमको? अजय ओए मामा, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ था उस दिन? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब बता दिया आपको। छोड़िए, ठीक है ठीक है, फिलहाल तुम्हें जाने दे रहे समझा, पर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। ए, जाओगी, जाओ। शंभू जी इस पर नजर रखिए। ये है वो जगह जहां पे एक साल पहले किरण की लाश मिली थी। सर अभी तक किरण और दिशा के केस में हमें कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ सर। सर मैंने दिशा और किरण इन दोनों की कॉल डिटेल्स चेक करी।
किरण की जो कॉल डिटेल्स है वो नॉर्मल थी, लाइक उसका कोई ऐसा अफेयर वाला मैटर नहीं लगा। लेकिन हाँ सर, ये दिशा अपनी नहीं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाली थी, या आई मीन मे बी शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता। अमन सर, दोनों लेट नाइट तक कॉल पर बहुत सारी बातें किया करते थे, एंड उस दिन इस अमन की मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी इसी एरिया की। जरा इस अमन का एड्रेस निकलवा। एंड हाँ सर, इस दिशा का मोबाइल किसी सीतापुर एरिया के आसपास करीब 8 घंटे के बाद बंद हुआ, आई मीन उसकी बॉडी मिलने के बाद तक वो मोबाइल ऑन। ओके, गुड जॉब जैक। थैंक यू सर। जस्ट सीतापुर एरिया में चेक करो, दिशा का मोबाइल वहीं आखिरी बार लोकेट हुआ। लेकिन सर वो शहर से काफी बाहर है और बहुत जंगल है। जितना टाइम लेना ले लो, मुझे मोबाइल चाहिए। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटा तू साथ में नहीं है तो माँ बाप कैसे होंगे? बेटे की तो यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। और रही बात दूरी की अम्मी, तो मैंने सुना है कि दूर रहने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। बेटा तू ईद पर नहीं आया, नए साल पर तू आएगा ना? आऊंगा अम्मी, जरूर आऊंगा। वादा करता है? वादा तो हम अपनी सांसों के भी नहीं कर सकते अम्मी, आपसे क्या बताएं? बेटा बहुत दिन हो गए, अब तो आ जा। सर, ये अम्मी एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। सर ये मोबाइल चार्ज किया है, दिशा का मोबाइल है, इसमें कुछ फोटोज। तो ये अमन है? यस सर। तो सी ग्रीन रूम की फोटो है, मतलब ये था उस दिन दिशा के साथ। एड्रेस का क्या हुआ इसका? मिल गया। गुड जॉब। तो भैया, अरे भाई सुनो। हाँ जी। ये अमन का घर है ना? हाँ जी। कहाँ है, कुछ मालूम है? सर रहता तो यही है पर पता नहीं अभी कहाँ गया होगा। लीजिए, आ गया सर। पकड़ो उसे। मैंने नहीं मारा। तो भाग क्यों रहा था फिर? मुझे दिशा के मौत के बारे में पता चला तो मैं बहुत डर गया था सर। झूठ बोल रहा है? तुम्हारे मोबाइल फोन के लोकेशन के हिसाब से तुम उस दिन स्कूल में ही थे।
ये उसी दिन की फोटो है ना? हाँ सर, ये फोटो उसी दिन की है और मैं वहां था, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, तुम्हारा परफॉर्मेंस था, मैं कैसे मिस कर देता? वैसे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था और तुम बहुत प्यारी भी लग रही थी। छोड़ो ना। अरे ना, तो बुलाओ पापा एक आज को। चाओ, बुला लो। डरता हूँ क्या मैं किसी से? अच्छा, डरते तो हो वैसे तुम। वैसे काम करो तुम, अभी जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार्केट में मिलूंगी। अरे पर मैं अपनी बाइक से आया हूँ और तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम बाहर वेट करो, मैं ना गाज को चकमा दे के आती हूँ, ठीक है? जाओ। अच्छा एक सेल्फी ले लूँ क्या इस कॉस्ट्यूम में? सर मैं बाहर वेट करता रहा लेकिन दिशा नहीं आई। सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। अच्छा, ले चलो इन्हें। चल बेटा। सर नहीं सर, चल। सर नहीं सर, सर कहाँ भाग रही हो छम्मक छल्लो? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो ना। अरे घर में लॉक लगा के भाग रही थी। I mean भाग रहा था। ये जवान औरत को ऐसे परेशान करते हैं, उतारो मुझे। ओए ओए माँ, शंभू जी आप मारिए ने, हम हाथ में लगाएंगे। मैं शंभू जी, क्या बात करते हो बाबू? आपको नहीं पता हमारे अंदर आपके लिए कैसी फीलिंग है। अगर सर से इतना ही प्यार है तो भी सर को छोड़ के भाग क्यों रही थी? मेरा मतलब है, भाग क्यों रहा था? सर को छोड़ के कौन जाता है? वो तो इनके लिए बैंकॉक जा रही थी। बैंकॉक किस लिए? बोलते हैं वहां ऑपरेशन करा के लड़के को लड़की बना देते। वैसे तो बहुत चाहने वाले हैं मेरे, लेकिन जब से आपको देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा जो राजकुमार था ना, वो आप ही हो। हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा दिल धक 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 होने लगता है और ऐसा लगता है कभी अखियां चुराऊं, कभी अखियां मिलाऊं। क्या नहीं, हाथ लगा। अखियों में ना प्रिया घुसा दूंगा मैं, वो भी गरम वाला। ओए माँ, ऐसा गुस्सा हमसे आओ ना। ले जाओ इसे। आई आई आओ जाओ। बहुत पहुंची हुई माया ही है, इसकी पूरी पूरी कुंडली निकालो। सर इस राधे से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर यप, ये है उस स्कूल का ब्लूप्रिंट। वैसे बाय द वे आप सभी लोग कंफ्यूज थे ना कि स्कूल से जो है दो लड़कियां गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला, और उसका मेन रीजन है ये कि सर वहां एक गुप्त दरवाजा जो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस से होते हुए रोड पे निकलता है, और वो है ये। तो प्रिंसिपल ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? ये बात तो प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे। सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के आने से यहाँ बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, हमारी वजह से बच्चों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए सर ये बैनर निकालो। क्या है ये सब? सर ये रूम लॉक्ड है, दरवाजा कभी खुलता नहीं है। तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर एक तो इस स्कूल की वैसे ही बहुत बदनामी हो चुकी है और ऊपर से बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चों की आड़ में छुपना बंद करिए। हो सकता है ये सब आपने किया हो। तो सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस काम की हो? तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है। तुम से एक काम हुए थे, प्रिंसिपल सर से बात कर नौकरी दिलाए थे। तुम्हें सब बोलो मत, ये बात तुम ये बात नहीं कर सकते मुझसे। क्या काम है, क्या हुआ? हां कहां
तुमने पति ही पैसे एक काम बोल दिए कि प्रिंसिपल सर की पर्सनल फाइल लाने के लिए तो कहते हैं ये काम हमरा नहीं है। तो आप बताइए पत्नी का हाथ बताना बुराई है का? एक एक देख ये लॉकेट ये आपको कहाँ से मिला? ये लॉकेट पिछले साल दिए थे। 8 साल में पहली बार एक ही तोहफा दिए। कहाँ से आया ये लॉकेट तुम्हारे पास? याद नहीं आ रहा? चलो ले चलो याद दिलाओ इन। भैया हमारा दांत तोड़ दिए। अरे आवाज वापस आ गई तुम्हारी तो है? आवाज निकली है तो फिर सच्चाई भी निकलेगी। बताओ जरा साहब हमारी बीवी जो है वो पागल है और हम अपनी अम्मा के सब खाके कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। नाम के जरूर काली है लेकिन हमारा दिल बहुत साफ है साहब बहुत साफ है। अच्छा तो फिर ये गूंगे का नाटक ये सब क्या चल रहा था? साहब हम अपना मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमारा है ना हमारी बीवी उसी ने आपको बताया था कि स्कूल में एक नौकरी का जगह खाली है। गूंगा बहरा चाहिए जो बच्चों को समझ सके इसलिए हम गूंगे बहरे बन कर चले। तो तुम्हारी बीवी के गले में ये किरण का लॉकेट कैसे पहुंचा? हमको नहीं पता है साहब हमको तो वो स्कूल में पढ़ा हुआ मिला था। झूठ बोल रहा है साहब हम कसम खा के कहते हैं हम माँ कसम खा के कहते हैं सूटकेस में किरण की लाश है वो सूटकेस कालिया ने खरीदा ये रिसीप्ट पेमेंट कार्ड से हुआ। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ। अरे हनुमान छोड़ दो इसको छोड़ दो चलो जाओ यहाँ से तुम चलो जाओ जाओ चलो जाओ हैं बाद में कुछ बदमाशी मत करना निकलो। साहब हम अपनी अम्मा से कहेंगे कि वो आपके नाम की पूजा करवा देगी। हाँ ठीक है जाओ जाओ। यार अनुमान ये देखो कालिया ने जो सूटकेस खरीदा था जिसमें किरण की लाश मिली थी वो 25,000 का है। कालिया जैसे आदमी के लिए नामुमकिन है 25,000 का सूटकेस खरीदना। ये जरूर किसी और का काम है लेकिन इतना तो तय है कि कालिया उसे जानता है। नजर रखो उसमें अजय। चाची एक फोन कर रहे हैं। कालिया नाम है हमारा पर दिल के बहुत ही साफ हैं हम इसलिए तो मुंह नहीं खोले। पुलिस ने मार मार के ना हमारा एक दांत तोड़ दिया है पर फिर भी हमने मुंह नहीं खोला। अब मुंह बंद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो रकम लगेगा ना। कब ठीक है ई लो चाची आपका पैसा। अली सर इस कालिया ने अभी अभी पीसीओ से किसी को फोन किया है। जैक को बोलो पता करे उसने किसको फोन किया है और तुम लोग छोड़ना मत उसको कालिया के पीछे लगे रहो। ठीक है सर।
कालिया ने तो सब कुछ बता दिया, अब आपकी बारी है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप हमरा। गलत। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। जो घिनौनी हरकत तुमने किरण के साथ की थी उसका वीडियो भी है जो कालिया ने बनाई थी, समझे तुम? बहुत अच्छी लगती थी हमको दिशा के साथ हमारे घर आती थी, और उस दिन बढ़िया नृत्य करती हो तुम। जी वो थैंक यू। लेकिन एक बात बोले। जी। उससे भी ज्यादा हमको अच्छी लगती हो। ये क्या कह रहे हो अंकल आप? क्या कर रहे हैं मतलब? है? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे समझती ही नहीं हो। अंकल छोड़िए मुझे। अंकल छोड़िए। अंकल अंकल प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। कालिया को बोले हैं कि उल्लास को ठिकाने लगा देना, बहुत सारा पैसा भी दिए थे उसको और पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए ताकि किरण का केस ठीक से इन्वेस्टिगेट ना करें। क्यों मानना चाहते थे कालिया को तुम? पिछला एक साल से ब्लैकमेल कर रहा था हमको। अच्छा, दिशा को क्यों मारा? उसको सब कुछ पता चल गया था इसलिए। क्या बात कर रहे हैं सर, दिशा हमारी बेटी थी। अरे बाप है हम उसके, दोनों बाप अपना बेटी को मार सकता है क्या? कमाल है, अपनी बेटी से इतना प्यार और भूल गए कि किरण भी किसी की बेटी थी। हमारे इस घटियापन की सजा उसके बेचारे पिता को उठानी पड़ी। ले जाओ उसे। ये आगे कहानी मैं सुनाऊंगा। यार पर किरण को अखिलेश ने मारा था तो फिर दिशा की जान किसने ली? सर वो लाश दिशा की है ही नहीं। What? हाँ सर, उस बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आई। तो फिर सर वो लाश पे दिशा के कपड़े, वो घुंघरू, वो लाश किसकी थी और आई कहां से? मुझे पता है वो लाश कहां से आई। आप हॉस्पिटल में पियोन है ना, तो आपके लिए तो डेड बॉडी का इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आपको पता चल ही गया? जी, पर ये भी कि किरण का खून अखिलेश सिंह ने किया। आपको पता? शक था, मुझे पक्का शक था कि मेरी बेटी को अखिलेश सिंह ने ही मारा है। उस दिन जब मेरी बेटी काफी देर तक नहीं आई तो मैं ग्रीन रूम की तरफ गया था।
उस दिन के बाद मेरी बेटी गायब हो गई। मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे गुहार लगाई, पर सबने मुझे चुप करा दिया। गरीब आदमी हूं ना, और आज जब मिनिस्टर की बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ तो भारत की सबसे अच्छी एजेंसी CIF को भेजा गया, और आप लोगों ने मेरी बेटी के कातिल को भी ढूंढ लिया। मुझे तो पहले ही पता था, पर सबने मुझे चुप करा दिया। दिशा के साथ क्या किया तुमने? दिशा, उस दिन परफॉर्मेंस के बाद मैंने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि पीकर बेहोश हो जाए वो। पहले मुझे लगा कि मेरा प्लान खराब हो जाएगा, पर उसने वो जूस पी लिया और बेहोश हो गई। अखिलेश ने तुम्हारी बेटी का खून किया तो तुमने उसकी बेटी को मार के बदला पूरा कर लिया। क्या सर, आप भी बाप के पाप का बदला भला बेटी से कोई लेता है? दिशा, गोपाल ने जो कुछ किया उसका मोटिव मैं समझ सकता हूं, मगर उसने तुम्हें किडनैप करने का क्राइम तो किया है। नहीं, गोपाल बाबा ने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ में थी। गलती तो मेरे पापा की थी, गोपाल बाबा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है। गोपाल बाबा सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। काश मेरे पापा भी इनके जैसे होते, काश वो भी सही और गलत के बीच में फर्क समझ पाते। मुझे बहुत आसान है सिसकती आहों को दबा देना, ताकत के चुनों में मासूम कलियों को जला देना, मगर सोचो तो क्या हो जो उसकी चिंगारी अपने ही आंगन में उड़ाए, जो आग औरों के लिए हो उसे अपना ही घर जल जाए।